से अमर कंटक की तरफ यहाँ से अढ़ाई तीन घंटा लाएगा। चलो 28 डे स्टार्ट हो रहे हैं। तपो दीदी बोलो गुड मॉर्निंग। आज के 28 दिन शुरू होलो सुप्रभात। जाबो नर्मदार उत्स देखते, नर्मदा नदी। এটা নাকি যে কোনো রোড ট্রিপার নয়, শুধু তীর্থ হিসেবেও এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য যাচ্ছি, দর্শন করব, দর্শন করে তারপর আবার পরের ভাবনা ভাববো কি করব। চলো লেটস গো স্টার্ট নর্মদা উৎসব কে লিয়ে অমরকণ্টক। 28 ডে জার্নি স্টার্ট হো রহে হ্যায়। হাম লোগ কাল পৌঁছ গয়ে হ্যায় অমরকণ্টক কি বোরহার। ইয়ে বোরহার জায়গা পে হাম লোগ কাল স্টে কিয়া থা। ইয়াহাঁ সে 60 किलोमीटर है अमरकंटक। तो हम लोग आज अमरकंटक जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे। हम लोग सुबह सुबह ही निकल पड़े हैं, इसलिए बहुत ही रास्ता खाली है। बहुत सुबह हम लोग निकल गए, तो यहाँ से ढाई घंटा लाएगा, दो ढाई घंटा लाएगा। हमरा जाच्छी अमरकंटक दिखे। अमरकंटक 56 किलोमीटर, पाशे माइलस्टोन देखले। रास्ता केमन, जंगल, जंगलेर भेतरते कालो कुचकुचे सुंदर इंडिकेशन करा रास्ता। जंगल थेके जखनी एदिके आसा शुरू करेछि, जंगलेर ओपर दिए गेछि, जंगलेर भीतर दिए गेछि। बन्य प्राणी हनुमान बड़ बड़ चारिदिके बसे आछे, শুয়ে আছে, গল্প করছে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে খুব ভালো লাগে এরকম রাস্তার ওপর দিয়ে যেতে। প্রকৃতির মাঝে চারিদিকে ঝিঝি পোকার ডাক, বরফ ঘেরা শহর থেকে, ব্যস্ত জীবন থেকে অনেক দূরে আমরা। অমরকণ্টক নর্মদা কা উৎস হ্যায়, সোর্স অফ নর্মদা রিভার। হাম লোগ যা রহি ওসি যা ও বই জায়গা পে। প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর এক ড্রিম হতে হ্যায়, যা ড্রিম যে আমি জীবনে একবার হলেও নর্মদার উৎসতে যাব। দেখ ছোট্ট ছোট্ট হনুমান আর দেখ আয় রাস্তে পে। ওরে বাবা রে বাবা, বন্দর ভরা হুয়া দেখ। আরে মার বাপ তো বন্দর বহুত মাকি আই ইয়াহ পর কোলে নিয়ে, ছোট ছোট বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছে। কিতনা হুয়া ইয়াহ পর লিটার? 110.99। 110.99 ডালে? হ্যাঁ হ্যাঁ ডালো। বাপ রে, খাজুরা মে 110.1 থে, ইয়াহ পর তো 110.41। উসসে ভি জ্যাদা হ্যায়, মধ্য প্রদেশ সবসে জ্যাদা পেট্রোল কা লিটার হ্যায়। हम लोग जानते हैं हमारे बंगाल है, लेकिन बंगाल से भी ज़्यादा है। आगे तो चल रहे हैं राजस्थान, 112 शायद सेकंड पोजीशन में है मध्य प्रदेश। चलो मतलब ये जगह का नाम क्या है? राजन ग्राम। राजन? राजन ग्राम। राजन ग्राम। ये पर पेट्रोल ले रही हूँ। पेट्रोल लेने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर दिया। बहुत ही सुंदर है ये, नेचर के अंदर से जा रही हूँ। बिजी लाइफ, शहर से बहुत दूर आ गए हम लोग। बहुत ही अच्छा लग रहे हैं, बहुत दिन से हम लोग नेचर के अंदर रही है। एकदम भालुकपंग कथा मन पड़े, भालुकपंग जैसा लग रहे हैं। ठीक ए रकम रास्ता, तावांग जाने का पहाड़ी है, दोपहर से पहाड़ी गाच, हाइट को बेशी ना आपनारा भालुकपंग वीडियो देख भी। तावांग वाला जो वीडियो है ना, हम अपलोड किया है, तावांग जा चुके थे तब ऐसा ही एक सीनरी था, वो ऐसा ही हम लोग को भालुकपुंग याद आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहे हैं, भालुकपुंग जैसा ये नजारा है। आगे बोर्ड है अमरकंटक टोल प्लाजा। जय गुरुदेव। तो ये अमरकंटक टोल प्लाजा अभी भी शायद स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर है ना अमरकंटक टोल प्लाजा अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। एक भक्त दंडी लगा के जा रहे हैं अमरकंटक की तरफ। हम लोग आ ही गए हैं और 1 किलोमीटर बाकी है। देखो यहाँ पर पूरा जंगल के अंदर से जा रही, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत जंगल हम लोग
इस बार ओवरकम किया है, बहुत जंगल के अंदर से हम लोग गए थे, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये नेचर भी, नेचर ही बहुत अच्छा है जहाँ का ही है वो। शिवकोना नर्मदा आप लोग तीर्थ करेंगे तो, चार धाम करेंगे तो एक बार जरूर आना नर्मदा पे, अमरकंटक। नर्मदा पे आना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा ही रीत है, जो यमुनोत्री करेगी, जो गंगोत्री करेगी, उसको नर्मदा के उत्सव में आना ही। साधु लोगों के लिए तो जरूर है, यहाँ पर आते हैं जो तीर्थ करते हैं, बैठते हैं। देखो ध्यान करने का एक जगह है, जगह बहुत ही निशान है, ऐसा लग रहा है ध्यान करने का ही जगह है ये। तपोभूमि नर्मदा, आसपास का परिवेश नेचर ऐसा ही लग रहा है ये मेडिटेशन करने का ही जगह है, ध्यान करने का ही जगह है तपोभूमि नर्मदा। अमरकंटक में आपका हार्दिक स्वागत है, नर्मदा मंदिर दो के लिए नौका विहार स्थान भी है, और ये देखो अमरकंटक, यहाँ से मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन, ये 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। अमरकंटक में आ गई, आ तो गई हम लोग काली, लेकिन जो नर्मदा का उत्सव है वो हम आज ही आए हैं, तो हम लोग बुहार पे रुका था। नर्मदा माता जी को दर्शन किया है और नर्मदा का उत्सव भी देखा है। अब हम लोग खाना खा के आगे निकल जाऊंगी उज्जैनी के तरफ, वहाँ जाके महाकालेश्वर दर्शन करूँगी। चटनी, पापड़, दाल, मिक्स वेजिटेबल, सलाद, और इसके साथ राइस आएगा, अच्छा ही लगेगा। तो अपनी बोले खाना कैसे, मतलब राइस कैसे खाते हैं? राइस तो मैं दाल से नहीं खाती हूँ, दाल चावल नहीं खाती हूँ, मैं सब्जी से राइस खाती हूँ। चलो ये तंदूरी रोटी, राइस भी आएगा। नर्मदा जी दर्शन हो गए हैं, नर्मदा का उत्सव भी देख लिया, दोपहर का खाना भी खा लिया है। अब हम लोग आगे आगे एक जंगल के अंदर हम लोग फोटो खींच रही हूँ, उसके बाद आगे निकल जाऊंगी। ये देखो हम जा रहे हैं अब ओमकारेश्वर, हम लोग जाएंगे, हम लोग अमरकंटक छोड़ के आगे जा रही हूँ, और साइड में देखो नर्मदा। ये पानी कहाँ कहाँ से आए हैं और कहाँ कहाँ से इतना पानी, हमारे उधर जो नर्मदा है, हमारे उधर एक्चुअली नहीं है नर्मदा, है पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत का गंगा कहते हैं नर्मदा को, कहाँ से इतना पानी, यहाँ पर तो पानी नहीं है ऐसा लग रहा है ना। हम लोग इस बार दर्शन करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग का, 2 ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, हम वो दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। देखो ये नर्मदा, तपोभूमि नर्मदा, बहुत ही डीप फॉरेस्ट है, जंगल कटे रास्ता। चलो यहाँ पर ही ऋषि लोग ध्यान करते हैं, बहुत ही डीप फॉरेस्ट, जंगल कटे रास्ता है, जंगल कटे रास्ता है। देखो कैसा फॉरेस्ट, ये बाप रे भयंकर फॉरेस्ट। তাড়াতাড়ি ছবি তুলি, তুলি বেরো না আমি বেরি, দুজনের একজন বেরি ছবি তুলি, এত সুন্দর জায়গা। नर्मदा छोड़ के हम लोग आगे जा रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारी एनिमल है, टाइगर है, सब कुछ है, हम डरते हुए फोटो भी खींच लिया है, अब कपते कपते चलो डरते हुए एक फोटो भी खींच लिया है। अब ओमकारेश्वर जाना है, सीमा पारम वन परिषद, बाप रे बाप, यहाँ तो बंदर का मेला बैठ गया है, यहाँ पर मेला। ए सोचे हो ना, बंदर को तो देखते, बंदर को मैं, पेड़ों का पेंडल है डेकोरेशन, एकदम अजीब व्यवस्था है। देखो मैं पूरे से नहीं, ना ना ये पेड़ भरा हुआ है, पेड़ के लिए ऐसा लग रहे हो, इधर क्लाउडी लग रहे हैं, पेड़ ऐसा। देखो कैसा ग्रीनरी है, सीनरी बहुत ही खूब सुंदर है, बाप रे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत दूर में लगाया ना, मेन रोड से बहुत दूर, हाँ
এখানে তো কিছুই না, কিন্তু আমাদের সমতলে তো রূপ ধারণ করেছে নর্মদা রিভার। হ্যাঁ রিভার নর্মদা, কিন্তু তোমাকে পরে দেখাবো নর্মদাটা কোথায়। अमरकंटक से जबलपुर जाने वाला रास्ता, चढ़ाई उतराई ये है सतपुरा रेंज। अमरकंटक से जबलपुर जाने वाला ये जो रास्ता है ये है 45 NH 45। चलो 28 डे फिनिश हुआ है कुंडमा के, ये है जबलपुर। जबलपुर यहाँ से आगे है सिटी, हम लोग सिटी के अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ पर ही रुक गई हूँ क्योंकि हम लोग को इंदौर जाना है उज्जैन। तो हम लोग जबलपुर का सिटी के नहीं जा रही हूँ, सिटी से पहले जबलपुर में हम लोग रुक गई कुंडम में।